मानसून पूर्व की गतिविधियों के तेज होने के साथ ही लोगों को तपन से राहत मिली है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान 4.1 डिग्री की गिरावट के साथ रविवार को 36.9 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। वहीं विदर्भ के अन्य जिलों पर भी पारा 40 डिग्री के नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी बादल डहाणू, पुणे, बेंगलुरु, पुंडिचेरी, सिलीगुड़ी तक जा पहुंचे हैं। मध्य महाराष्ट्र में 24 घंटे में मानसून के दस्तक देने का अनुमान है। हालांकि मराठवाड़ा तक बादलों के पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगने का अनुमान है। इससे साफ है कि परिस्थितियां अनुकूल रहने पर विदर्भ तक मानसूनी बादल 16 जून तक पहुंच सकते हैं। अब तक दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु के पूरे हिस्से में ही मानसून सक्रिय नहीं हो पाया है। विदर्भ के अकोला में 44.8, बुलढाणा में 18, गढ़चिरौली में 6.2, अमरावती में 5.8, गोंदिया में 2.2, यवतमाल में 13 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 39.4 डिग्री के साथ ब्रह्मपुरी सबसे गर्म रहा। वर्धा, वाशिम, चंद्रपुर में 38, गोंदिया में 36.6, अमरावती में 36.8, यवतमाल में 36, गढ़चिरौली में 35.2 तथा अकोला में 35 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।